करीना कपूर की पहली फिल्म 30 जून 2000 को आई थी। फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। इस फिल्म का नेट वर्थ 17.8 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 25 मई 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मुझे कुछ कहना है। इस फिल्म का नेट वर्थ 17.28 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 27 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जादे। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 14.65 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 21 सितंबर 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अजनबी। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 17.04 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 26 अक्टूबर 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अशोका। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 11.54 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 55.65 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 9 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मुझसे दोस्ती करोगी। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 12.95 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1 नवंबर 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जीना सिर्फ मेरे लिए। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 6.50 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 3 जनवरी 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तलाश। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 7.86 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 7 फरवरी 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था खुशी। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 9.03 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 27 जून 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 17.80 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था LOC कारगिल। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 17.64 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 9 जनवरी 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चमेली। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 3.20 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 21 मई 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जुबा। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 14.25 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 11 जून 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था देव। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 6.83 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 20 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था फिदा। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 9.71 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ऐतराज। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 15.58 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 26 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हलचल। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 20.29 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 25 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बेवफा। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 16.97 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 3 नवंबर 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था क्योंकि। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 12.70 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 23 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था दोस्ती। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 8.77 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 5 मई 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था 36 चाइना टाउन। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 23.05 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 9 जून 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चुप चुप के। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 13.75 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 28 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ओंकारा। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 23.22 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 26 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जब वी मीट। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 31.06 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 25 अप्रैल 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था टशन। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 29.35 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 29 अक्टूबर 2008 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गोलमाल रिटर्न्स। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 51.12 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 3 जुलाई 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कमबख्त इश्क। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 47.09 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी।
अगली फिल्म 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मैं और मिसेस खन्ना। इस फिल्म का नेटवर्क 7,40,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 20 नवंबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कुर्बान। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 23,35,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 24 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था थ्री इडियट्स। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 201,37,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 9 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मिलेंगे मिलेंगे। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 6,58,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2 सितंबर 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था वी आर फैमिली। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 21,78,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 5 नवंबर 2010 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गोलमाल 3। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 106,34,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 31 अगस्त 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बॉडीगार्ड। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 146,47,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था रावण। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 120,12,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 10 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एक मैं और एक तू। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 39,73,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 23 मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था एजेंट विनोद। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 43,29,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 21 सितंबर 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हीरोइन। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 33,82,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 30 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था तलाश। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 90,75,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 30 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सत्याग्रह। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 62,03,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 22 नवंबर 2013 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गोरी तेरे प्यार में। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 14,02,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 15 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था सिंघम रिटर्न। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 139,72,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट थी। अगली फिल्म 17 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बजरंगी भाईजान। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 316,79,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था की एंड का। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 50,76,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 17 जून 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था उड़ता पंजाब। इस फिल्म का नेट ग्रॉस 59,13,00,000 था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। तो दोस्तों ये थी करीना कपूर की फिल्मोग्राफी की जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।